नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भैया आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम अकेडमी हिसार में। तो भाई अपनी आज की जो क्लास होगी वो रीजनिंग की होगी। भाई पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? हमने कैलेंडर का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट कर लिया था, और आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे भाई? कैलेंडर से नेक्स्ट टॉपिक जो अपना वो पढ़ेंगे हम भाई क्लॉक यानी कि घड़ी। तो ये सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं भाई कि हमारा चैप्टर कैसा है, कैसा रहता है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आज की क्लास में इसका जो बेसिक है ना वो बिल्कुल पूरा का पूरा क्लियर करके चलेंगे भाई, ठीक है? तो ये आज की हम अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। रीजनिंग में आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? रीजनिंग में हम आज पढ़ेंगे क्लॉक यानी कि घड़ी। देखो घड़ी के बारे में मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा भाई कि घड़ी का जो हमारा होता है हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ कितने घंटे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो भाई हम 12 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके चैप्टर के अंदर हम कभी भी डिजिटल क्लॉक जो कि आपने देखा होगा डायरेक्ट एक्शन वाली इलेक्ट्रिक क्लॉक जिसमें 13 बजते हैं 14 बजते हैं उसमें कितने घंटे होते हैं भाई? 24 घंटे। हम उस क्लॉक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ अपनी सुइयों वाली घड़ी यानी कि जो ये वाली घड़ी है ना इसके बारे में ही पढ़ेंगे, जो हमारी सुइयों वाली घड़ी होगी। यानी कितने घंटों के बारे में हम पढ़ेंगे भाई? सॉरी यहाँ पे 12 घंटों के बारे में हम पढ़ेंगे, हम 24 घंटों के बारे में कोई भी जानकारी इस चैप्टर में नहीं लेंगे, ठीक है? 24 घंटों के बारे में हम इस चैप्टर से कोई भी जानकारी नहीं लेंगे, ठीक है भाई? इसके बाद इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, देखो घड़ी के अंदर कितनी सुइयां होती है भाई? 3 सुइयां होती है, एक होती है घंटे की, एक होती है भाई मिनट की, और जो सबसे छोटी इकाई होती है भाई वो कौन सी होती है? सेकंड की सुई होती है भाई। पढ़ने के मामले में हम सिर्फ दो ही सुइयों को पढ़ेंगे, घंटे और मिनट की सुइयों को सिर्फ इन्हीं से हम अपने जो भी हमारी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा, हम सिर्फ दो ही घड़ियों के बेस पे लेंगे। किस किस के बेस पे? घंटे और मिनट के बेस पे, ठीक है भाई? आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत जो भी है मैंने बताया। इसके बाद देखिए जिस टाइप से इसमें है ना घड़ी का जो पूरा हमारा चैप्टर है भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं घड़ी क्या होती है भाई। ये बड़ा सा एक गोलाकार चित्र है जिसमें ये चार पार्ट रहते हैं भाई। इसके ये हमारे 12 नंबर होंगे भाई, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है भाई? आपने आज तक पहले तो सर्कल पढ़ा हुआ मैथ में आपने सर्कल पढ़ा होगा। सर्कल देखो जो पूरा सर्कल होता है भाई कितने डिग्री का कोण होता है इसके अंदर? 360 डिग्री का। किसी भी एक पूरा चक्कर लगाने के हम कोई भी एक पॉइंट उसके चारों दिशाओं में उसके बराबर घूमने में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं भाई? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का हम कोण बनाएंगे यानी अगर सुई 12 से स्टार्ट होकर हमारी घड़ी की सुई 12 से स्टार्ट होकर 12 के ऊपर आती है, चाहे वो घंटों की हो चाहे वो मिनट की हो, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई? 360 डिग्री। यानी कि जो घड़ी का पूरा एक चक्कर होता है ना, चाहे वो मिनट की सुई का हो चाहे वो घंटे की सुई का हो, कितनी देर का होता है भाई, कितने कौन डिग्री का होता है भाई, सॉरी 360 डिग्री का वो होता है, ठीक है? यानी कि मैं आपको बोलूं कि जो हमारा बेस एंगल है ना, बेस एंगल रहेगा वो कितना रहेगा भाई? 360 डिग्री रहेगा। बेस एंगल हम किसको लेकर चलेंगे भाई? 360 डिग्री को हम लेकर चलेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर होने के बाद देखिए सबसे पहले देखो मैंने आपको दो सुइयां बताई, एक मैंने आपको बताई घंटे की और दूसरी बताई मैंने आपको मिनट। सबसे पहले हम जिस सुई के बारे में पढ़ेंगे वो हमारी होती है भाई घंटे की सुई। देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होता है ना इस चैप्टर में, ये हमेशा इस चैप्टर में कोण पूछता है या जल प्रतिबिंब पूछता है, दर्पण प्रतिबिंब पूछता है, या दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का है ये बात पूछता है, ठीक है? आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको घंटे की सुई के बारे में बेसिक बताऊंगा, फिर मिनट की सुई के बारे में। देखो सेकंड की जो सुई है हमारी वो हमारी नेग्लिजिबल रहेगी भाई, उस सुई के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे,
ठीक है भाई, क्लियर था। इसके बाद आइए घंटे की सुई। घंटे की जो सुई है वो घड़ी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करते हैं भाई? 12 घंटे में क्या कितना पूरा करते हैं भाई? पूरा एक चक्कर, यानी कि 12 बजे अगर सूर्य है तो 12 घंटे के बाद ही कहाँ आएगी? दोबारा से 12 पे आएगी। ठीक है भाई, इतनी बात आगे समझ में। इसके बाद देखिए 12 घंटे के अंदर ये कोण बनाती है। 12 घंटे के अंदर कोण कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अगर कोई आपसे अब पूछने लग जाए कि एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो मैं क्या बोलूंगा, एक घंटे में कोण बनाती है बराबर 360 बटे 12। कितना आ गया भाई, एक घंटे में कोण बनाएगी कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ये चीज क्लियर है भाई। अच्छा, घंटे के बाद देखो, हमें ये नहीं पूछता वो कि 3 बजकर कितने समय में, कि 3 बजे घड़ी की सुई कितने एंगल पर होगी। हमें 3 बजकर कुछ मिनट देगा, तो हमें घड़ी की जो घंटे की सुई इसका मिनट में कोण का भी पता होना चाहिए भाई। ठीक है ना, घड़ी की सुई का हमें मिनट में भी कोण का पता होना चाहिए। मैं इसको एक चीज लिख सकता हूँ भाई, 60 मिनट में कोण बनाती है कितने डिग्री का भाई? 30 डिग्री का। ये हम घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई? 30 डिग्री का। एक मिनट में कोण बनाएगी 30 बटे 1/2, 1/2 डिग्री, या मैं जिसको बोल सकता हूं भाई 0.5 डिग्री का कोण बनाएगी। 1/2 डिग्री भी बोल सकता हूं मैं इसको, या अगर मैं इसको क्या बोल सकता हूं भाई, 0.5 डिग्री यानी आधा डिग्री का कोण बनाएगी। ये बात आगे समझ में आप सभी को कि भाई एक जो घंटे की सुई हमारी 12 घंटे में कोण बनाती है कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। एक घंटे में 30 डिग्री का, 60 मिनट में वही एक घंटे वाला भाई 30 डिग्री, और एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई? आधा डिग्री। ठीक है भाई, आधा डिग्री का कोण बनाएगी। देखो, क्या कभी भी घड़ी की घंटे की सुई रुकती है भाई? क्या कभी भी घड़ी की घंटे की सुई रुकती है? आप सभी को लगता होगा कि वो रुकी, लेकिन वो रुकती नहीं है। अब आप वो आधा डिग्री घूम रही है एक मिनट के अंदर, तो मिनट से पहले भी तो आधा से कुछ तो घूमती होगी ना, थोड़ी बहुत। हमें वो दिखती नहीं, हमें नहीं लगता कि ये घूम रही है, लेकिन बट वो क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती रहती है भाई, घूमती रहती है। वो कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का हो गया भाई? आधा डिग्री का कोण बनाएगी एक मिनट में। ये था हमारे घंटे की सुई के बारे में जो हमें पढ़ना है। ठीक है, जो सबसे छोटे वाली सुई होती है वो कौन सी होती है भाई? घंटे वाली सुई होती है। आप इस घड़ी में देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखो, जो ये छोटे वाली सुई है ना, ये कौन सी है भाई? घंटे वाली। ये जो बड़े वाली है ये मिनट वाली, और जो कंटिन्यू इससे भी बड़ी और पतली ये चल रही है, ये कौन सी है भाई? सेकंड वाली सुई। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई मिनट की सुई। मिनट की सुई के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मिनट की सुई भी क्या करती है भाई, पूरा का पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन अब यहां पे एक बात होगी, वो कितने घंटे में बनाती थी? 12 घंटे में। और ये कितने घंटे में बनाएगी भाई? एक घंटे में। क्योंकि घड़ी की सुई देखो, ये घड़ी है हमारी, 12 कोई भी समय हो गया, मान के चलो 3 बज गए, तो यहां है ना मिनट की सुई। अब तो 12 से 12 पे आएगी, तभी क्या दूंगा भाई, तभी तो 4 बजेंगे। यानी ये एक घंटे में पूरा अपना पूरा एक चक्कर पूरा करती है। समझ गया भाई, एक घंटे में अपना पूरा पूरा एक चक्कर पूरा करती है। तो ये हम कौन सी सुई के बारे में पढ़ेंगे भाई? मिनट वाली सुई। वो घंटे वाली सुई थी, मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि एक घंटे में कोण बनाती है कितना भाई? 360 डिग्री का कोण बनाए कितनी देर में? एक घंटे के अंदर। एक पूरा चक्कर किसके बराबर था? 360 डिग्री के बराबर।
मिनट वाले से ये घंटे में पूरा पूरा एक चक्कर लगाते तो कितना आएगा 360 डिग्री। उसके बाद मैं आपसे बात करूं एक घंटे का था यानी कि 60 मिनट में इस चीज को लिख सकता हूं भाई, 60 मिनट में कोण बनाते कितने का भाई 360 डिग्री का। मैं बात करूं एक मिनट में कोण बनाए 360/60 कितना में आ गया भाई 6 डिग्री। अब देखो हमें कुछ ना कुछ यहां से सीखने को मिला है कि जो मिनट की सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई 6 डिग्री का। और अभी हमने एक चीज पढ़ी थी देखो पीछे कि जो घंटे की सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया इसने आधा डिग्री का। अब आपसे कोई एक सवाल पूछ ले कि दोनों सुइयों एक मिनट के अंदर, मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूं अभी कि 12 बजे का समय है ठीक है, एक मिनट बाद दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो देखो आपको कुछ भी नहीं सोचना, ये एक मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, वो 0.5 का बनाती है, इन दोनों का अंतर कितना होगा भाई 5.5 डिग्री, यही हमारा जवाब होगा। यानी एक मिनट के अंदर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा 5.5 डिग्री का, इनके कोणों का अंतर हो जाएगा भाई ठीक है। सेम मेरी बात, अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं और उसके एक मिनट बाद कोई भी समय पूछता तो हम कितना डिग्री बता देंगे भाई 5.5 डिग्री मिनट की सुई घंटे वाले सुई से आगे होगी ठीक है भाई। इसके बाद देखिए जो हमारी फर्स्ट टाइप होती है ना क्वेश्चन पूछने की, जो हमारी पहली टाइप जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो इसे नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं भाई। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप में हमें कोई भी समय देगा भाई, कोई भी हमें एक समय दे दिया ठीक है, और हमसे क्या पूछ लेगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य क्या कोण होगा, या कितने डिग्री का कोण होगा, पूछ सकता हूं भाई बात 7:20 ठीक है। 7:20 का समय देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है भाई, अपनी घड़ी बना लो छोटी सी जिसमें हम नंबर दे देंगे, देखो नंबर आपने घड़ियों में कई बार देखा होगा, रोमन में भी नंबर होता है, रोमन में देखा होगा 1 2 वो वी वाले ठीक है, वी के एक साइड एक डंडा लगा दिया 4 हो गया, उस साइड लगा दिया 6 हो गया, वैसे वाला भी होता है भाई 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसने कहा कि यहाँ कोई मध्य में है भाई, मध्य में यहाँ से होने के बाद 7:20 का समय, देखो एक सुई तो आ गई यहाँ होगी भाई एक सुई, और दूसरी सुई जो हमारी होगी घंटे वाली, देखो 7 बजे एग्जैक्ट वो यहाँ तो नहीं होगी भाई 7 के ऊपर, कुछ तो आगे गई होगी तो यानी वो थोड़ी बहुत काम होगी भाई, यहाँ होगी भाई ठीक है। इसके देखो निकालने के हमारे रहते हैं भाई 2 वे, दो तरीके हमारे इसको निकालने के रहते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताऊं जिसमें अपन को कोई भी तरीका नहीं लगाना होता, जिसमें अपन को क्या नहीं करना होता भाई, कोई भी तरीका या कोई भी फार्मूला नहीं लगाना होता ठीक है। फार्मूला कैसे नहीं लगाना होता, जो आपको मैंने बेसिक बताया ना वो आपको याद होना चाहिए। देखो अब 4 अगर 20 मिनट है तो पूरा 4 पे ना वो सुई, 4 से 5 के बीच का मैंने आपको कोण बताया था, अभी कितना होता है 30 डिग्री होता है ना, घड़ी की सुई 1 घंटे में कोण बनाएगी 30 डिग्री, 1 घंटे में यही तो दूरी तय करेगी बस, वो सही है ना 30 डिग्री, ये भी कितना भाई और ये भी कितना भाई, यानी हमारे पास कितने डिग्री आ गया 90 डिग्री हमारे पास आ गया। उसके बाद कितना टाइम बचा, 20
20 बचा है, 20 मिनट में कौन सी सुई है, पहले ये देखो घंटे वाली सुई है, कौन सी सुई है ये, घंटे वाली सुई है। अब 20 मिनट के लिए देखो, एक मिनट में कोण बनाती कितना भाई, 0.5 डिग्री का। 20 मिनट में कोण बनाई कितना भाई, 0.5 गुणा 20 यानी कि 10 डिग्री का, ठीक है ना। तो 30, 60, 90 और 10 100 डिग्री कोण बनाएगी भाई, ये हमारा जवाब था भाई, बिना किसी भी फॉर्मूले के हमारा डायरेक्ट जवाब है। कैसे भी निकाल सकते हैं हम, कैसे भी कितना भी बड़ा सवाल हो बिना किसी फॉर्मूले के हम यहां से निकाल देंगे, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। इसके बाद देखिए भाई, जो हमारी रीजनिंग कहती है कि मैं तरीकों से सोल्व होंगी, तो तरीका क्या होता है, तरीका देखो हम कोण को लिखते हैं भाई थीटा, थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 गुना एच, ठीक है भाई। आप ये भी कर सकते हो, इसको पहले ले आओ, इसको बाद में ले आओ, उससे क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, एक आधी बार आपका क्या हो सकता है कि कोण माइनस में आ जाए, लेकिन कोण माइनस में कभी भी नहीं होता, ठीक है, तो उसकी माइनस ऑटोमेटिक हट जाए, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 30 गुना एच माइनस 11/2 गुना एम, एम का मतलब रहेगा यहाँ पे मिनट और एच का मतलब क्या रहेगा भाई, हावर्स। तो आप ये जो फार्मूला है ये वाला, ये आपके लिए बड़ा ही कारगर साबित हो सकता है भाई। देखो मैं तो आपको बोलूंगा कि आप इस तरीके से करो, आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको सिंगल एक फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसमें, बस जितना भी हो ठीक है भाई, 30 डिग्री कितना है बढ़ा देते, 30-30 करते चलोगे, बाकी जो मिनट बच गए उसको मिनट से हम निकाल देंगे डायरेक्ट। अब देखो बात आ गई हमारे उस फॉर्मूले वाले, फॉर्मूले वाले पे देखो टाइम, देखो टाइम क्या है भाई, 7:20 मिनट का हमारा क्या है भाई समय है, तो यानी घंटे की जगह हम लेंगे 7 को और मिनट की जगह किसको लेंगे भाई, 20 को, यही बात होगी। तो पुट करो देखो, 30 गुणा 7 माइनस 11/2 गुणा एम की जगह भाई क्या लूंगा मैं 20, 30 सत्य कितना होता है भाई 200 माइनस 2 से कट गया भाई 10 पे 11 आया 110 कितना आ गया भाई 100 डिग्री पर आए, सो ही आया बताओ कोई था अंतर, आसान कौन सा लगा मेरे को तो ये वाला लगा, बाकी आप क्या देखो, क्योंकि क्या होता है इसमें आपसे माइनस प्लस थोड़ी गलत हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए तो इसमें तो क्या डायरेक्ट हमें याद ही रखना है कि दो नंबर्स के बीच का एंगल जो है, दो नंबर्स के बीच का हमारा कोण है वो कितना होता है भाई 30 डिग्री का होता है, ठीक है भाई। इसमें आप किसको सभी को किसी भी प्रकार का कोई भी संशय हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे हिसाब से तो कोई संशय नहीं बचना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही आसान है भाई, रीजनिंग का जो ये टॉपिक है वाला, ये बहुत ही आसान है, बस आपको एक तो ये, अगर आप फार्मूला याद रखना चाहोगे तो ये याद रखना है, और आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है। देखो इस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लियर है भाई ये टाइप आप सभी को। इसके बाद देखिए, जैसे अभी चंडीगढ़ पुलिस का, चंडीगढ़ कलेक्टर का जो एग्जाम गया है उसमें उसने डायरेक्ट क्या पूछा था कि घड़ी की सुई 180 डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बनाती है, या घड़ी की सुई 0 डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बनाती है। कंडक्टर वाले पेपर में था भाई, घड़ी की सुई 90 डिग्री का कोण 24 घंटों में कितनी बार बनाएगी, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं भाई कोणों की, ठीक है, कि घड़ी की सुई कौन सा कोण एक दिन में कितनी बार बनाती है, घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, ठीक है। किसकी बात करेंगे भाई हम, कोण यानी कि एंगल्स, देखिए सबसे पहले इन कोणों में मैं बात करूंगा भाई स्टार्टिंग यानी कि 0 डिग्री से भाई, 0 डिग्री का कोण कब बनता है, कहां बनता है, कहां नहीं बनता है, क्यों बनता है, ठीक है। देखो 0 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है,
कोई भी चीज किसी भी चीज के ऊपर है बिल्कुल उनमें थोड़ा सा भी गैप नहीं है, तो वो क्या है, जीरो डिग्री का कोण है उन दोनों के बीच। यही बात होगी भाई, उन दोनों के बीच क्या रहेगा, जीरो डिग्री का कोण रहेगा, यानी कि घड़ी की मिनट की सुई और उसके ऊपर कौन सी सुई हो भाई, घंटे की सुई हो, तो क्या होता है भाई, घड़ी की और मिनट की सुई, और जब भी ऊपर नीचे होगी तो क्या रहेगा, जीरो डिग्री का कोण उनके अंदर होगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच में एक डिग्री का कोण होगा, तो सॉरी एक मिनट का अंतर होगा, तो कितने डिग्री का अंतर होगा इन कोणों में। मैंने आपको भी बताया है कि जब भी समय में एक मिनट का अंतर होगा तो 5.5 डिग्री का कोणों का अंतर होगा। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। इसके बाद आइए जीरो डिग्री कोण की हम बात करें। जीरो डिग्री का कोण है ना भाई, मैं आपको बता दूं एक घंटे में एक बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार बनता है भाई, और उसके बाद 24 घंटे में 22 बार बनता है। अब देखो सभी के मन में कंफ्यूजन आ गया कि बोला जी एक घंटे में तो एक बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार कैसे, तो कोई ना कोई तो एक घंटा ऐसा होगा भाई जहां पे घड़ी ने मिस मार दिया। अब मिस तो घड़ी मार नहीं सकती कि मैं तो सुई को मिनट रुकी, एक सुई रुकी तो दूसरी तो उसके ऊपर से जाएगी जाएगी, मिस तो मार नहीं सकता। तो ये घड़ी के अंदर ही मैं आपको देखो अभी बताएंगे ओपनली क्या रहता है। देखो भाई घड़ी है ये अपनी एक घड़ी है, यहां पे होते हैं भाई 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूं भाई 12 बजे हो गई, जीरो डिग्री का कोण है भाई, है ना आपस में, यानी 12 बजे इन दोनों के बीच कोण बन गया 12। आप एक ले एक बजा हुआ है, यहां पे घड़ी का सेंटर है, ये है घड़ी की मिनट वाली सुई और सॉरी घंटे वाली सुई ये वाली, ठीक है, और ये जो सुई होगी भाई हमारी 12 बजे तक, ये होगी हमारी भाई मिनट वाली सुई। अब एक बात बताओ, ये घड़ी 2 बजे तक इस घड़ी के इस सुई के ऊपर से जाएगी ना, जाएगी जाएगी भाई कन्फर्म, तो 0 डिग्री का जो कोण होगा वो इन दोनों के बीच में एक बार बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा इन दोनों के बीच में। अच्छा ऐसे ही 2 बजे तो 2 से 3 तक आएगी, तब भी एक बार तो ऊपर से जाएगी इसके, तो यहां भी कितनी बार बढ़ेगा भाई, एक बार 3 से 4 के बीच में एक बार, 4 से 5 के बीच में एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, क्योंकि 7 बजे के बाद देखो वापसी तो 8 से 12 पे जाके बज रहे हैं, बन गया ना यहाँ पे, यहाँ भी एक बार बढ़ेगा 8 से 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में भी भाई 9 से 10 बजेंगे, तो घड़ी की सुई यहाँ कहीं ना कहीं आगे इसके ऊपर से जाएगी आगे, 10 से 11 में भी 10 से 11 बजे यहाँ से आके घड़ी इसके ऊपर से जाएगी ही जाएगी। अब घड़ी में भाई समय हो गया 11 बजे, मैं इसको इरेज करता हूँ, अपन ने ये पढ़ा है अभी तक कि 1 बजे से लेके 12 बजे तक कितनी बार बन गया भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बार बन गया भाई। 10 बार बनने के बाद अब भाई टाइम आ गया 11 बजे, एक सुई यहां है, एक सुई, ये कौन सी सुई है भाई, घंटे वाली, और ये है मिनट वाली, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या 12 बजने से पहले ये सुई इसके ऊपर से जाएगी, क्या 12 बजने से पहले जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई के ऊपर से जाएगी, वो नहीं जाएगी, ये दोनों एग्जैक्ट कितने बजे मिलेंगी भाई, 12 बजे, ये दोनों एग्जैक्ट कितने बजे मिलेंगी, 12 बजे, यानी 11 से 12 के बीच में क्या कोण बनेगा, 0 डिग्री का, 11 से 12 के बीच में कोण नहीं बढ़ेगा। अच्छा आपकी बात चलो कोई सोच रहा होगा कि बढ़ेगा जी, 12 बजे जो बन गया, 11 से 12 के बीच में बन गया, चलो ठीक है भाई काउंट कर लिया एक बार बन गया, ठीक है भाई। अब चलो टाइम हो गया भाई चेंज, टाइम चेंज क्या हो गया भाई, घड़ी में तो बज गए 12 जी,
कितने बज गए जी, घड़ी में बज गए 12, एक सुई ये होगी, दूसरी सुई ये घड़ी में बज गई जी 12, ठीक है। 12 बजे मिनट वाली सुई घड़ी वाली 12:01 पे जो मिनट की सुई घड़ी की सुई से आगे होगी भाई, आगे होगी ना। अब मिनट की सुई तो चल रही है आगे आगे और घंटे की सुई है पीछे। अब मिनट की सुई आगे चलते चलते यहां से चलेगी 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 और कहां पे पहुंच गई दोबारा, 12 में पहुंच गई, लेकिन इसको घंटे की सुई कहीं पे मिली, घंटे की सुई नहीं मिली और इस घड़ी में कितना बज गया भाई, 1 बज गया। घड़ी जो सॉरी सर ये जो मिनट थी वो घंटे वाली सुई थी, घंटे इस पे आ गई 1 पे। तो क्या आप 12 से 1 के बीच में कोण बना भाई, 12 से 1 के बीच में कोण बना, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। तो हम इस बात को देखो कैसे पढ़ते हैं कि 11 से बाकी तो सभी में कोण बन रहा है, ठीक है जी, एक घंटे में एक बार, लेकिन जो 11 से 1 का समय है 2 घंटे, इसमें भी कितनी बार बनता है, एक बार बनता है, वो भी कब, पूरे के पूरे 12 बजे, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घड़ी में 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार क्यों बनता है, यहाँ पे 1 घंटे में एक बार बन रहा है भाई, 12 घंटों में 11 बार बनेगा, एक बार कौन सा खा गया, 11 से 1 के बीच में बनना तो 2 बार था, लेकिन कितनी बार बना है भाई, एक बार बना है, और 24 घंटे में 22 बार, 2 बार कौन से खा गया जी, 12 घंटे में एक बार तो ये खा गया, फिर से दोबारा 12 घंटे में एक बार फिर से खा जाएगा, क्लियर है भाई ये बात, क्लियर है, ओके बिल्कुल, इज दैट क्लियर। ये क्लियर होने के बाद देखिए 0 डिग्री के बाद हम बात करते हैं भाई 90 डिग्री के कोण। अब बोला जी ये तो आसान है, ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है भाई, 90 डिग्री का जो कोण होता है वो कब बनता है, जब घड़ियां एक दूसरे के क्या हो भाई, लंबवत हो, यानी कि घड़ियां क्या हो एक दूसरे के ऐसे, घड़ी की सुई, घड़ी नहीं भाई सॉरी सुइयां एक दूसरे के क्या हो भाई, लंबवत हो, यानी कि ऐसे जब भी 2 सुइयां होंगी तो क्या कोण बनेगा भाई, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आइए हम हमारी घड़ी में पढ़ते हैं भाई, पहले उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं, 90 डिग्री का जो कोण है भाई, एक घंटे में 2 बार, बारह घंटे में 22 बार, 24 घंटे में भाई 44 बार। बोला जब भी आप पहले एक खाया था, अब आपने 2 खा लिए, ठीक है, अब 2 कैसे खा लिए भाई, देखो हम घड़ी से ही समझेंगे ये बात, ये हमारी होगी भी घड़ी, थोड़ी टेढ़ी में भी है लेकिन देखो घड़ी है, ठीक है, अब ये हमारी घड़ी है और यहां पे घड़ी ऐड नहीं होगी, घड़ी भी है बड़ी, पता नहीं कैसे होती है, कोई नहीं छोड़ो, आपको इसे बता देंगे। देखिए भैया
ये हमारी घड़ी है अभी, और घड़ी को मैंने सर्कल के बिल्कुल बीच में लगाया एक बार आप देखो, ठीक है। अब घड़ी में देखो, घड़ी में बज गया भाई 12, यहाँ पे क्या लिखा हुआ घड़ी के अंदर 12, यहाँ पे क्या है भाई 6, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 5, 7, 8, 10, 11, यही घड़ी है भाई, ऐसे बिल्कुल सेम अंदर भी। अब इस घड़ी में मैं है ना आपको बोलता हूँ किसी समय हो गया 12 बज गए, ठीक है। इस घड़ी को अपन ले लेते हैं एक बार भाई साइड में यहाँ, ठीक है। जिस समय बज गया 12, ठीक है जी। अब 12 बजे के बाद भाई घंटे की सुई तो यहाँ से अटकड़ की चलेगी, लेकिन मिनट की सुई तो यहाँ चलती रहेगी, और मिनट की सुई चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं यहां आके, यहां आने के बाद 90 डिग्री कोण बनेगा भाई, बनेगा। अच्छा, अब 90 डिग्री कोण की आपको पहचान बता दूं, देखो अब यहां पे कितने डिग्री है, 30 डिग्री है जो गैप है, ये कितना है भाई 30, और ये भी कितना है भाई 30। अब यहां बोल रहे हो जी आप आगे कैसे करिए तो 90 हो गया। अब भाई मिनट की सुई चली तो घंटे की सुई भी थोड़ी बहुत चली होगी, यानी कि 12 बजकर 17 मिनट पे 20 मिनट पे हमारा क्या होगा 90 डिग्री कोण बन जाएगा। अच्छा 12 बजे बन गया जी, 12 के बाद 1 बज रहा है, अब 1 बजने वाला है, लेकिन घंटे की सुई है ना हमारे को यहाँ आगे, यहाँ जब भी 12:50 के लगभग यहाँ बनेगा भाई, बनेगा एक बार और 30, 30 और 30, यानी कि 12 से 1 के बीच में कितनी बार बन गया जी, 2 बार बन गया, 2 बार हमारा कौन बन गया भाई, ठीक है। मैं आपको बोलूं भी कि 12 से 1 के बीच में कितनी बार बनेगा, 12 से 1 के बीच में कितनी बार बनेगा भाई, 2 बार। सेम प्रोसेस ऐसे ही रहेगी भाई, 12 से 1 के बीच में 2 बार, 1 से 2 के बीच में भी 2 बार बनेगा, 1 से 2 के बीच में कितनी बार बनेगा भाई, 2 बार बनेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं भाई 2 बजे के बाद की, देखिए हम 2 बजे के बाद की बात करेंगे ना तो हम क्या करेंगे भाई, गिनती गुजरी अब दिख जाएगा, ठीक है। 12 बजे की हम तो कर बात करते हैं 2 बजे की घड़ी में क्या समय हो गया भाई, ये सेंटर है और ये यहाँ पे 1 सुई है, यहाँ पे 1 सुई है, घड़ी में बज गए 2, ठीक है भाई। घड़ी में 2 बजने के बाद अब 2 बज गए, ये सुई इसको यहाँ कहीं क्रॉस करके जाएगी भाई, क्रॉस करके जाने के बाद जब भी घड़ी में 3 बजने से पहले यहाँ बजे, यहाँ पर कुछ समय पर यहाँ पर कितने 90 डिग्री कौन बनेगा भाई, क्योंकि 30 डिग्री ये होगा, 30 डिग्री ये होगा, कुछ ये आ जाएगी आधा और ये आधा ही आ जाएगी भाई यहाँ से, ठीक है। यानी कि मैं कहूँ 2:26-27 पर, यानी 2:30 बजे के लगभग एक बार कौन बनेगा भाई, ये बात समझ में आ गई, एक बार कौन बनेगा ही बनेगा। अच्छा उसके बाद जी यहाँ आ गई सुई और घंटे वाली सुई बट रही है 3 की तरफ, अच्छी घड़ी में यहाँ के बाद क्या 3 बजे से पहले दोबारा से कौन बनेगा भाई, क्या 3 बजे से पहले दोबारा कौन बनेगा, 2 से लेकर 3 बजे के बीच में क्या दोबारा से 90 डिग्री कौन बनेगा, नहीं बनेगा जी। वो कब बनेगा, जब घड़ी में पूरे क्या हो जाएंगे 3 बज जाएंगे, 3 बजे बन गया। कई बच्चे इसको किसमें काउंट करेंगे कि 2 से 3 के बीच में बन गया जी 2 बार, ठीक है कोई नहीं आपकी बात मान ली भैया, आप कितनी बार बन गया भाई 2 बार बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है भाई, घड़ी में 3 बज गए, ठीक है, घड़ी में 3 बजे में पूरा 90 डिग्री कोण हमें साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। घड़ी में 3 बजने के बाद अब जी बारी आती है 3 से 4 के बीच की, 3 से कितने के बीच की 4, यानी कि यहाँ के बीच की बात आती है। देखो 3 बजे कोण बना हुआ है, ये कौन सा कोण बना हुआ है, जो 2 और 3 के बीच में 2 बार हमने काउंट कर लिया, आप ये बात याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं 3 से 4 बजे की, यहाँ पे ये कोण बना हुआ है हमने काउंट नहीं करना है भाई, क्योंकि ये काउंट पहले हो चुका है। अब इसके बाद ये सुई यहाँ से चली थी, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कुछ बचकर यहाँ मिनट पे ऊपर नीचे होंगे 0 डिग्री कोण हो गया,
यहां से घूमते घूमते ये यहां आ जाएगी भाई लगभग, तो 3 बजे के बाद यहां तक बन जाएगा। अभी एक बार को बन जाएगा, देखो 3 से 4 का गैप है, सॉरी 4 से 5 का गैप लो, 5 से 6 का लो, थोड़ा सा 3 से 4 का और थोड़ा सा 6 से 7 का, यानी 3 बजकर लगभग 35 मिनट के आसपास क्या होगा भाई, कौन बन जाएगा, कौन सा भाई 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ आ गई जी मिनट वाली सुई, अब ये मिनट वाली सुई घूम के आ गई जी 12 पे, और किसी घड़ी में ये कहा कि भाई 4 पे, तो 120 डिग्री का कोण हो गया भाई, क्या दोबारा से बना 90 डिग्री का कोण, दोबारा से 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ 2 से 4 किसके बीच में, 2 से 4 के बीच में कोण कितनी बार बनेगा भाई, और यही सेम प्रॉपर्टी जो वहां लग रही है यही क्या लगेगी भाई 8 से 10 के बीच में भी सेम ऐसा ही होगा जो वहां हो रहा है। ठीक है ना, जो वहां हो रहा है बिल्कुल सेम ऐसा ही 10 से 8 या 8 से 10 के बीच में, सॉरी 8 से 10 के बीच में भी कितनी बार बनेगा भाई 3 बार, यानी ये जो 2 बार खा गया ना ये कौन सा खा गया, एक तो 3 से 4 के बीच में जी, और एक कौन सा खा गया 8 से 10 के बीच में। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, क्लियर है बात, तो ये हमारा कौन सा कोण था भाई 90 डिग्री का हमारा कोण था, जो आपको यहाँ इस घड़ी में भी आप ये घड़ी तो वैसी थरी नहीं है, ये घड़ी तो मेरे को ऐसा लगता है बस गुण आई है यहाँ पे। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात, ये कोण क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं भाई हमारा जो लास्ट कोण बच गया 180 डिग्री का, 180 डिग्री कोण में देखोगे भाई 180 डिग्री का कोण आपको बताऊंगा भाई कहां हो घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होंगी, यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है, घड़ी के सुई की जो हमारी प्रॉपर्टीज रहती है भाई क्या होगा, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और भाई 24 घंटे में 22 बार। अब बोला जी आप तो खाने लग गए कौन, 0 वाला खा गया, 90 वाला खा गया, 180 डिग्री वाला और खा गया, भाई मैंने नहीं खाई ये खाई कभी डिग्री सुइयों नहीं, यार जो कौन खा के पेट भरता है कभी है, कौन खा के मतलब कौन खा के भरता है, कौन आते हो गया आइसक्रीम आती है, कौन खा के पेट भर जाता है भाई। ठीक है, समझ में आ गया आपको, आशा करता हूँ मैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब भाई हम बात करते हैं 180 डिग्री के कोण की, 180 डिग्री का जो कोण रहेगा हमारा, यानी भाई 2 सुइयां रहेंगी वो एक दूसरे की क्या रहेगी अपोजिट रहेंगी, तो ये हमारा क्या बनेगा भाई 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो मैं क्लास को लंबा ना करते हुए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ भाई, तो आप फटाफट से करोगे, देखो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो भाई यहां है और समय हो गया 6 बजे का, जी 0 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण बन रहा है ना 6 बजे, हर समय पर कोण बनेगा, हर समय पर, हर एक समय पर, लेकिन कब नहीं बनेगा वो मैं आपको यही बताऊंगा कब नहीं बनेगा। देखो भाई घड़ी में समय 6 से पहला बजते हैं भाई 5, ठीक है भाई, एक सुई यहाँ पे मिनट वाली है, यहाँ पे घंटे वाली है, अब वो घड़ी की सुई सुई को क्रॉस करके जाएगी, ठीक है, इसको क्रॉस करके जाएगी और वो डायरेक्ट आ जाएगी 6 बजे, कितने बजे आ जाएगी 6, ये यहाँ 6 पे होगी तभी तो वो 12 पे होगी, यानी 5 से 6 के बीच में कोण कभी भी 180 डिग्री का नहीं बनता, ये तो बात है नहीं बनने वाली। अब 6 बजे आ गए, ठीक है, अब आप बोलोगे 6 से 7 के बीच में भी नहीं बनता, क्यों नहीं बनता भाई, 6 बजकर जब कुछ मिनट होंगी यहां पे तो ये सुई यहां पे भी तो होगी यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब आप सोचोगे जी 2 बजे कैसे बनेगा, 3 बज के तो हम सोचते हैं जी बिल्कुल सीधी लाइन आ गई, 2 बजे कैसे बनेगा, घड़ी में बज गए भी 2, ठीक है, ये सुई यहां आ रही है तो ये सुई जो है हमारी मिनट वाली सुई ये घूम के यहां भी तो आएगी, आएगी ना किसी टाइम, यहां जब दोनों होंगी तो एक बार पक्का आमने सामने होंगी,
2:46 के आसपास, 2:46-2:44 के आसपास, ठीक है। एक ऐसा समय जो 5 से 6 के बीच का है, यहां पर कोण नहीं बनता भाई 5 बजे के बाद, डायरेक्ट 6 बजे ही कोण बनता है, ठीक है। और सॉरी 6 से 7 के बीच में नहीं बनता भाई, मैं आपको बता रहा हूँ 6 से 7 के बीच में नहीं बनता। जब ये सुई यहाँ पे 2 मिनट के बाद यहाँ आई हो तो 2 मिनट में 12 डिग्री कोण बनाएगी, और ये यहाँ बनाएगा भाई 1 डिग्री कोण, ठीक है ना। 6 से 7 के बीच में कभी भी दोनों सुई आप एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। देखिए कैसे मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, आपके मन में शायद ये संशय रह जाए क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि 6 से 7 के बीच में पड़ेगा। अब देखो ये मानेंगी घड़ी, मैं सिर्फ 12 और 6 लेता हूँ और यहाँ लेता हूँ 7, वहां लेता हूँ 1, घड़ी में समय भाई पूरे 6 बजे हुए, अजी एक सुई तो यहाँ एक सुई यहाँ, ठीक है भाई। अब ये सुई यहाँ आ गई जी, यहाँ एक दिन से कितनी डिग्री कोण बनाया, उसने बना दिया 3 डिग्री का, 3 डिग्री का कितनी देर में भाई 6 मिनट में बना दिया। अब ये तो 6 मिनट में यहाँ आ जाएगी, क्या होंगे अपोजिट भाई, 1 मिनट की बात कर लो, 6:01 पे इसने तो बनाया जी आधे डिग्री का 0.5 डिग्री का, और इसने बना दिया 6 डिग्री का, 174.5 डिग्री कोण हो गए दोनों के बीच, 174.5 डिग्री का ही तो कोण हुआ, 5.5 डिग्री घट गया इसमें से, ठीक है। अब 5.5 डिग्री घट गया तो मैं आप एक बात कहो, क्या ये दोनों दोबारा से कोण बनाएंगे स्टार्टिंग से, ये तो इसकी और क्लोज आती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 7 के बीच में कोण नहीं बनता, यानी मैं आपको कहना चाहूँ कि 5 से 7 के बीच में जहां बनना चाहिए था दो बार, कितनी बार ही बनेगा भाई कोण, एक बार ही बनेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 बजे, ठीक है भाई। आशा करता हूँ ये आपको क्लियर होगा भाई, ठीक है। 0 डिग्री का कौन पढ़ा हमने, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, तीनों की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि 1 घंटे में कितनी बार, 1 दिन में कितनी बार और 12 घंटे में कितनी बार, ठीक है भाई। आ गया ये बात समझ में, मैंने आपको दोनों के बीच का कोण निकालना बताया है भाई, आ गया दोनों के बीच का कोण निकालना। उसके बाद आइए भाई, उसके बाद हम बात करते हैं भाई दर्पण, ये चलो मैं आपको ये है ना ये आपको अलग चैप्टर में कराऊंगा, वाटर इमेज और मिरर इमेज में, ठीक है, हम वहीं पे पढ़ेंगे इस पूरे के पूरे। वैसे मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, दर्पण के लिए हम 1160 से माइनस करते हैं भाई, और मिरर इमेज के लिए हम 1760 और 1830 इन दो में से माइनस करते हैं भाई, ठीक है। वो पानी की स्थिति देखी जाती है कि पानी की स्थिति कैसी है, पानी ठहरा हुआ है चलता हुआ है, पानी टेढ़ा है मेढ़ा है, कैसी स्थिति है वो पानी, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लोक का चैप्टर रहेगा वो भाई अब मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपका जो बेस है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं भाई क्लोक के क्वेश्चंस के साथ एक और ऐसी क्लास में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी कक्षा में।